पुलिस की आलोचनाएं तो आपने बहुत देखी और सुनी होंगी, लेकिन उसी पुलिस की मानवता की सच्ची तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। दरअसल बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र की स्टेट बैंक कॉलोनी में महिला की मौत के बाद घंटों महिला का शव उसके घर पर रखा रहा और कोरोना के खौफ से पड़ोसी और रिश्तेदारों ने महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया, जिसके बाद पुलिस से मानवता दिखाते हुए महिला का अंतिम संस्कार कराया। आज जनपद बिजनौर के धामपुर कस्बे के स्टेट बैंक कॉलोनी में शीला शर्मा नाम की एक महिला की मृत्यु हुई। उनके बेटे विकास शर्मा ने अपने सभी रिश्तेदारों को, परिजन पुरजन, बंध बांधव, मोहल्ले वालों को सूचना दिया, कोई कंधा देने के लिए, सहायता देने के लिए इसलिए नहीं पहुंचा कि इनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। जबकि शीला शर्मा की मृत्यु अपने बेटे की मृत्यु के सदमे में एवं बीमारी से हुई थी। इनके बेटे की मृत्यु 15 दिन पहले एवं पति की मृत्यु उससे पहले हो चुकी है। विकास शर्मा अपने पत्नी और दो छोटे बेटों के साथ बिलख बिलख करके रो रहे थे। मेरे द्वारा तत्काल पुलिस बल को भेजा गया। स्थानीय इंस्पेक्टर के मौजूदगी में पीपी किट पहन करके पुलिस ने उनको शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था किया, कंधा दिया, वहां पर लकड़ी एवं अन्य हिंदू धर्म रीति रिवाज का प्रबंध किया गया। केवल उनके बेटे और पुलिस बल की मौजूदगी में उनके बेटे द्वारा मुखाग्नि दिया गया, अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई बेहद ही संवेदनशीलता एवं विवेक के साथ किया है। दरअसल एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह को महिला के पुत्र विकास शर्मा ने सूचना दी थी कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है और सभी रिश्तेदार और पड़ोसी को खबर दी गई, लेकिन कोई भी कोरोना के डर से अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया, जिसके बाद एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने तत्काल पुलिस को मौके पर भेजा और महिला का अंतिम संस्कार कराया गया। एसपी और उनकी पूरी पुलिस टीम की सभी जगह जमकर सराहना हो रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए बिजनौर से नईम अहमद की रिपोर्ट।